हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैंने अभी कुछ वीडियो देखे थे। वीडियो क्या देखे थे, मतलब लोगों ने मेरे को लिंक भेजे थे इंस्टाग्राम वगैरह पे। और तो मैं वीडियो वगैरह जनरली यूट्यूब पे बहुत कम देखता हूँ। मतलब मैं अपने काम का ही, या तो काम के लिए यूट्यूब ऑन करता हूँ, या फिर मेरे जो यूट्यूब के कंटेंट होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो मुझे कुछ लोगों ने वीडियो के लिंक भेजे थे, कुछ कट रील भेजी ऐसा। तो उसमें मैंने देखा कि कुछ लोग जो है वो गैम्बलिंग में बर्बाद हो गए या लॉस हो गया, गैम्बलिंग छोड़ दी। तो उनको लगा कि यार अब हम यूट्यूब पे आते हैं और हम यूट्यूबर्स की पोल खोलेंगे, इन्फ्लुएंसर्स की पोल खोलेंगे, हम बताएंगे कि ये क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। हालांकि मेरे लिए नहीं थी कोई ऐसी गलत बातें, क्योंकि मेरा तो सिंपल सा फंडा है कि जो करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ। तो वो मेरे लिए नहीं थी बातें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जुआ बर्बाद करेगा। मैंने कभी किसी तरह का कोई कोर्स नहीं बेचा, मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि मैं रिकवरी करवा सकता हूँ। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि रिकवरी हो भी नहीं सकती, ठीक है। हमेशा मैंने बोला कि रिकवरी नहीं हो सकती, कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। कभी भी बड़े पैसा लेकर के मत खेलो, छोटे पैसे से ट्राई करो, छोटा छोटा जीतो, छोटा छोटा विड्रॉल करो, बड़े सपने मत देखो। एंड रिजल्ट जीरो है, करियर इसमें नहीं बना सकते आप, इसको रेगुलर इनकम नहीं बना सकते। इस तरह की बातें मैंने हमेशा करी। तो इसलिए मेरे लिए ये बातें बोल पाना कि मैं लोगों से को बरगला रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो मैं कभी एक साइट के साथ जुड़ा हूँ, उस साइट के नाम बताने का मैं उनसे पैसा लेता हूँ, तो मैं उस वीडियो में बता देता हूँ कि भैया ये प्रमोशनल वीडियो है, मैंने इसमें इस साइट का नाम बता रहा हूँ, इससे मैंने पैसा लिया है। और हमेशा बता देता हूँ कि ये साइड भी जुए का अड्डा है, यहाँ पे भी आप बर्बाद हो सकते हो। और मैंने इस साइड पे कोई बड़ी रकम नहीं जीती है, मतलब लोग, और ना मैंने कभी किसी को ये खेल के दिखाया बड़ी बड़ी रकमों का, डमी नकली रुपीज से या एडिटिंग वीडियो से या डमी डमी चिप से मैंने कभी प्ले करके नहीं दिखाया। मैं तो अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने कभी डाली तो 3,000 5,000 डाला अपना, उससे जो बढ़ गया वो भी दिखाया, इवन कई बार वो नहीं बढ़ा वो भी दिखाया, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा डायरेक्टली अटैक करना थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें, मेरी मेरा पैसा कमाने का तरीका बिल्कुल अलग है। पर फिर भी कोई ये ना सोचे कि मैं कोई समाज सेवा के लिए यूट्यूब पे हूँ, या मैं दुनिया को सुधारना चाहता हूँ, या मैं लोगों का जुआ छुड़वाना चाहता हूँ, ऐसा मेरे अंदर कोई कीड़ा नहीं है। ना मैं समाज सेवक हूँ, मेरी तरफ से दुनिया कल की बर्बाद होती आज बर्बाद हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल मैं अपना इतना काम करता हूँ यूट्यूब पर कि भी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको यूट्यूब पर डाल देता हूँ। मेरा उसको डालने में कोई पैसा नहीं लगता सिवाय एक नेट के, उल्टा उस पर जब आप लोग देखते हो तो उसका यूट्यूब से मुझे कुछ पैसा मिल जाता है। आप लोगों के देखने की वजह से एक कंपनी मुझे बोलती है कि यार आप हमारा नाम अपने चैनल पर ले दो, एक वीडियो के अंदर हम आपको पैसा दे देंगे। सिंपल बात है, ठीक है। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को जब हार जाते हो तो आप लोग दूसरे को ब्लेम करते हो। मैं किसी यूट्यूबर के साइड नहीं हूँ, ना मैं इन्फ्लुएंसर के यूट्यूबर के साइड नहीं हूँ, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं तो उनके खिलाफ हूँ। और मैं यूट्यूबर के खिलाफ नहीं हूँ, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, उनकी उस स्ट्रेटजीज के खिलाफ हूँ जो वो गलत स्ट्रेटजीज बता रहे हैं, जिसमें लोगों को नुकसान और उनको फायदा हो रहा है, या उनके उस तरीके के खिलाफ हूँ पैसा कमाने के। ठीक है, पैसा मैं भी कमा रहा हूँ, पैसा वो भी कमाना चाहते हैं, वो भी कमा रहे हैं। तरीके होते हैं कि जिससे कि ठीक है पैसा मैं भी कमा रहा हूँ पर मेरी वजह से किसी को नुकसान नहीं हो रहा। तो मैंने वो जो लोग मुझे बोलते हैं अरे सर वो उसने, हमने उसको इतने टाइम फॉलो किया और उसके बाद उसने ऐसा किया, उसने वो किया, वो जवाब देने के पैसे मांग रहा है, वो कह रहा है पहले मेरा प्रोमो कोड यूज़ करोगे तो भी मैं जवाब दूंगा, आपके हम प्रोमो कोड नहीं भी यूज़ करते तब भी हम अपनी प्रॉब्लम बताते तो आप उसको सॉल्व करने के लिए लग जाते हो। मतलब मेरा प्रोमो कोड नहीं भी यूज़ किया होता है, ऑलरेडी उन्होंने किसी और का भी यूज़ किया होता है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो शायद इस वीडियो को देख करके कमेंट भी करेंगे नीचे, अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, कि उन्होंने मेरा प्रोमो कोड नहीं यूज़ किया हुआ, ऑलरेडी किसी और का यूज़ किया हुआ है, पर फिर भी सेम प्लेटफॉर्म पर उनको दिक्कत आती है। मैं उनके लिए भी आगे बात करता हूँ, ये वो लोग जानते हैं अच्छी तरह, बहुत सारे लोग, क्योंकि मुझे जितना पैसा चाहिए ना, जितनी मेरी ज़रूरत है उससे मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ज़रूरत के ऊपर का सारा पैसा मेरे लिए कचरा है। तो मैं पैसा तो मैं ऐसी ऐसी जगह भी खर्च करता हूँ जो कभी आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अभी तक मैं उस पॉइंट पे नहीं आ पा रहा, इधर उधर की बातें करे जा रहा हूँ, कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि हम, उस यूट्यूबर ने हमें धोखा दे दिया, वो यूट्यूबर ने कंपाउंडिंग के नाम पे हमें नुकसान पहुंचा दिया, किसी ने कोर्स बेच करके हमें नुकसान पहुंचा दिया,
किसी ने हमसे हमको गलत तरीके से खिलवा दिया, किसी ने हमारे से प्रोमो कोड यूज करवा के ऐसा कर दिया। ये सब आप बात कब बोल रहे हो? जब आप हार गए। देखो सच्चाई कड़वी होती है, बुरी लगेगी। मैं उन इस तरह के लोगों के खिलाफ हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं उनकी स्ट्रेटेजीज के खिलाफ हूँ। इंडिविजुअल मेरे ना उनको जानता हूँ, ना मेरे लिए उनके मन में, मेरे मन में उनके लिए ना तो वो रिस्पेक्ट है ना हेट है, क्योंकि मैं उनको जानता ही नहीं पर्सनली। हाँ स्ट्रेटेजीज का टकराव होता रहता है, पर यहाँ पर मैं आप लोगों के खिलाफ हूँ। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, देखते हैं, या जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने से बाहर वालों को ब्लेम करोगे, तब तक आप अपने अंदर नहीं झांक पाओगे और आप जुआ नहीं छोड़ पाओगे। अब मुझे कुछ सवाल मैं आप लोगों से करूंगा, आप खुद सोचो उसको। आप लोगों को लॉस क्यों हुआ? आपको किसी यूट्यूबर, किसी इन्फ्लुएंसर की वजह से लॉस नहीं हुआ। पहली बात तो मैं उनको इन्फ्लुएंसर नहीं मानता, वो यूट्यूबर है, पैसा कमाने के लिए आए हैं। सच झूठ बोल के, झूठी कहानियां, डमी चिप से प्ले करना, नकली पैसों से प्ले करना, एडिटिंग चीज़ें डालना, लोगों को ये बोलना हमने लाखों रुपए का लैपटॉप खरीदा, हमने लाखों रुपए का फ़ोन खरीदा, हमने लाखों रुपए की कार खरीदी, हमने नई कुर्सी खरीदी, ये पेंट करवा लिया, ये प्लॉट खरीद लिया, ये सब करके वो मोटिवेट करते हैं कि आप लोगों को लगे कि अच्छा जुए में कमाया जा सकता है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो यूट्यूबर है। इन्फ्लुएंसर जो होता है ना, वो अपनी रिस्पेक्ट करता है, वो नहीं चाहेगा कि जब लोग मेरे पे भरोसा कर रहे हैं तो उनका नुकसान हो। मुझे भी पैसा चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए, तो मैं जब पैसा कमाने के लिए उस साइट का नाम लेता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि ये साइट में आप जीतोगे या नहीं जीतोगे ये आपके खेलने के स्किल के ऊपर है, आपके लालच और डर के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने नाम बताया है, आपकी मर्जी है, जाना है जाओ, आपकी मर्जी है मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना है करो। मेरा प्रोमो कोड यूज़ करने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे ही फ़ायदा होगा, मेरी ही वैल्यू बढ़ेगी कि इतने लोग इसकी वजह से आए हैं। ठीक है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। नहीं भी करोगे तो भी मेरे को बोलोगे कि ये प्रॉब्लम है, तो भी मैं दिन में कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। कुछ छूट जाते हैं, कुछ उसमें खुंदक में आ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। आप लोग जुए में आए क्यों? आप किसी इन्फ्लुएंसर की वजह से जुए में नहीं आए, आप किसी यूट्यूबर की वजह से जुए में नहीं आए। आप लालची थे, सब कुछ सही चल रहा था तो भी, और अगर मान लो किसी के पास पैसों की कमी थी और वो पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहा था, उसी समय उसने कोई गैम्बलिंग की ऐड देख ली, ऋतिक रोशन को देख लिया, या शाहरुख खान वो 823 की गेमिंग की ऐड करता है, कोई जंगली रम्मी की ऐड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई यूट्यूब पर कुछ कहानियां सुना रहा है सच्ची झूठी, आप लोगों के लालच को हवा मिली वहां से। ऐसा नहीं था कि अगर आप लोगों ये सब चीज़ें नहीं देखते तो आप लोग बड़ी साधारण जिंदगी जीते रहते, तब भी आप कहीं ना कहीं किसी को देख करके कोई बिजनेस शुरू कर लेते, उसमें लॉस उठा लेते, कोई दुकान खोल लेते, उसमें लॉस उठा लेते। ये होता क्योंकि लालच ने आपको मरवाया, और लालच में भी शॉर्टकट रास्ता, इजी मनी, ये इजी मनी के लालच ने, कि पेशेंस है नहीं, धैर्य है नहीं, जल्दी जल्दी अमीर बनना है, जल्दी अमीर बनने की चाह ने आपको यूट्यूबर्स की गलत बातें मानने को मजबूर किया। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी लॉस हुआ गैम्बलिंग में, उसमें 80% आपके लालच का रोल है, 20% बाहरी हवा जो उसको मिली। ठीक है, दूसरी बात, आप लोग कहते हो हमारा लॉस हो गया, ये यूट्यूबर जो है ये इतना पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप किस लिए आए थे बॉस? आप किस लिए आए थे? आप लोग जुआ समाज सेवा के लिए खेलने के लिए आए थे कि हम जुआ जीतेंगे समाज का उद्धार करेंगे? नहीं, आप लोग इसलिए आए थे कि हम जुआ खेलेंगे जीतेंगे तो गरीबों को खाना खिलाएंगे? नहीं, आप लोग आए थे अपनी गरीबी दूर करने। आप लोग आए थे, अगर गरीब नहीं थे तो इसलिए आए, जो लोग अमीर हैं और वो गैम्बलिंग में फंस गए हैं तो वो इसलिए आए थे एडवेंचर के लिए और पैसा कमाने के लिए। साधारण जिंदगी जी रहे थे उसको लग्जरी लाइफ बनाने के लिए, आसानी से पैसा कमाने के लिए, कि मेहनत ना करनी पड़े, इंतजार ना करना पड़े, बस जाएं और ऐसे ऐसे पैसा लगाएं और सीधा 10,000 का 50,000 बनाएं और आ जाए। आप लोग इसलिए आए थे, तो आप लोग भी यहाँ पैसा कमाने के लिए आए थे। अगर आप दूसरों को ये दोष दे रहे हो कि उन्होंने पैसा कमाया, तो आप भी पैसा कमाने के लिए आए थे। अगर उन्होंने आपको बरगला करके, जो भी आप उन पर इल्ज़ाम लगाना चाहो, कमीशन के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर वो कमा रहे, तो आप लोगों ने भी सही रास्ता नहीं चुना। इंडिया में ऑनलाइन गैम्बलिंग लीगल नहीं है तो इलीगल नहीं है तो लीगल भी नहीं है। आप लोग भी जुए के रास्ते से अमीर बनना चाह रहे थे, तो अगर उनका पैसा कमाने का रास्ता गलत है तो गलत आपका भी रास्ता था। आप भी कोई खेती करके पैसा कमाने के लिए नहीं आए थे यहाँ पे,
आप भी शॉर्टकट में जुए से ही पैसा कमाने के लिए आए थे। मुझे हजारों मैसेज आते हैं, सर 10,000 लगा करके 500 रुपये रोज के कमा सकते हैं क्या, 1 लाख रुपए लगा करके 5,000 रोज के कमा सकते हैं क्या। मैं मना कर देता हूँ, वो लोग मना नहीं करते हैं, वो कहते हैं हाँ कमा सकते हैं, डिपॉजिट करो 1 लाख रुपया हमारे नाम से, हमारा प्रोमो कोड यूज करके जमा करो। मुझसे लोग पूछते हैं, मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है लाइव के दौरान, कितने लोग पूछते हैं, मैं हमेशा मना कर देता हूँ कि नहीं हो सकता भाई, वो लोग ये नहीं करते, सिर्फ इतना अंतर है मुझ में और उनमें। पर मैं ये हैरान होता हूँ कि आप अपने अंदर क्यों नहीं झांक रहे हो, आप बाहर कितना मजा आता है, उसको घेर लो, उसको गाली दे दो, अरे वो घर से पकड़ के लाया था क्या, उसने माथे पे बंदूक रखी थी क्या। आप लोगों का लालच भरा पड़ा था, आसानी से पैसा कमाने के लिए आप लोग मर रहे थे, जल्दी सपने पूरे करने हैं, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, बाइक खरीदनी है, लैपटॉप खरीदना। उन्होंने कहानियां गढ़ी कि हमने ये लैपटॉप खरीदा जुए से जीत के, आप लोग भी लग गए कि हम भी खरीदेंगे। उन्होंने दिखाया मैंने ये 1.5 लाख का फोन या 2 लाख का फोन जुए से खरीदा जीत करके, आप भी लग गए जी मैं भी महंगा फोन खरीदूंगा। आप नहीं लगते ना उनके पीछे, उन्होंने कहानी सुनाई, आप भी तो उस कहानी में फंसे, तो जितने दोषी वो हैं उससे ज्यादा तो आप हो। तो ये जो है ना कि वो इस तरीके से कमा रहे, उस तरीके से कमा रहे हैं, तो आप भी जिस रास्ते से कमाने के लिए आए थे वो रास्ता सही नहीं है, जुआ, ये आप भी जानते हो। जुए में दो ही नतीजे आएंगे, या तो आप हारोगे या जीतोगे, और एंड रिजल्ट फिर भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि आप लास्ट में बर्बाद हो जाओगे। मैंने देखा आजकल बड़ा ना, क्योंकि जुआ मैंने छोड़ दिया तो चलो जी अब मैं दुनिया को सिखाऊं, ये जो आज आपको सिखा रहे हैं कल ये आप ये भी किसी कंपनी का प्रमोशन करते नजर आएंगे, क्योंकि पैसा इनको भी चाहिए। आप जैसे बेवकूफ लोग जिन्होंने मुझे देखा, लालची बेवकूफ लोगों ने, वही लोग उन लोगों को भी देखेंगे, और फिर कहीं ना आप लोग ढोल और ढोल दोनों तरफ से बजते रहते। अपनी अकल लगाओ, अपने अंदर झांको कि आप में क्या गलती। मैं गोवा में रहता हूँ और गोवा में बहुत सारे कसीनो हैं, आधे से ज्यादा के अंदर मेरी एंट्री फ्री है, मैं तो नहीं जाता 3 3 4 4 महीने। मैं भी तो जाकर के वहां से बहुत जल्दी पैसा कमा सकता हूँ, वहां पे फ्री का लग्जरी 5 स्टार का खाना खा सकता हूँ, महंगी बियर शराबे पी सकता हूँ, लाइव म्यूजिक देख सकता हूँ, वहां तो मुझे लोग भी मिलते हैं, तारीफें भी करवा सकता हूँ, वहां के किस्से कहानियां सुना करके यूट्यूब पर और व्यूज बटोर सकता हूँ। पर मेरे ऊपर किसी का हाथकंडा काम नहीं करता, आए दिन मैसेज आते हैं कसिनोज के, आज ये ऑफर है, आज ये टूर्नामेंट है, ये है वो, मैं नहीं जाता। आपका आपके दिमाग पर नियंत्रण नहीं है, अगर नियंत्रण होता तो पहली बात जुए में नहीं आते, जुए में आते तो अपनी मर्जी से आते, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। नियंत्रण होता तो कितना खेलना है, कहाँ तक हारना है, ये सब होता। उन लोगों ने आपका फायदा नहीं उठाया, उन लोगों ने आपके लालच का फायदा उठाया। तो आपके अंदर लालच था जल्दी अमीर बनना, किसी ने भी बोला कि मैं कोर्स बेच रहा हूँ और आप लोग चल दिए कोर्स खरीदने। आपने कभी ये नहीं सोचा कि जिस आदमी के पास ऐसा फॉर्मूला है कि वो आपको ये कह रहा है कि मेरे से 500 रुपये का, 400 रुपये का या 2,000 रुपये का कोर्स खरीद लो, 48 48 हज़ार रुपये के कोर्स लोगों ने खरीदे हुए हैं, कह रहे हैं हमने जो चीज़ें 48,000 में खरीदी, 40,000 में खरीदी, वो चीज़ें आपने फ्री में बता रखी हैं। तो आप लोगों ने कि गोबर खाते हो उल्टे पैदा हुए थे क्या, कि आप इतनी अकल नहीं आई आप लोगों के अंदर कि किसी आदमी के पास अगर कोई फॉर्मूला है पैसा कमाने का, तो वो आदमी तो खुद करोड़पति अरबपति होता, वो आप लोगों के मुंह क्यों लगेगा। अगर कोई आदमी आपका हारा हुआ पैसा वापस ला सकता है, उसके पास ऐसी ट्रिक है, वो रिकवरी करवा सकता है, तो घास खा रहे थे आप लोग। अगर कोई आदमी वीडियो बना के डाला है लॉस रिकवरी ऐसे होती है, चल देते मूर्खों की गधों की तरह लाइन में लग के उसके वीडियो देखने। अरे अकल नहीं है क्या कि अगर लॉस रिकवरी हो सकती है, उसको पैसा जुए से वापस लाने का मतलब होता है जुए से जीतना। अगर उसको जुए से जीतना आता तो खुद अरबपति बना होता, क्योंकि जुए में तो कितने सारे कसिनोज है, अनलिमिटेड कमाई है, रोज के लाखों रुपए कमाता वो। अगर उसको जुए से जीतना था, वो कह रहा है मुझे जुए से जीतना आता है और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जीतना है, ताकि आप अपना पैसा लेके, क्या कर रहे हो यार। कोई आदमी कहता है कंपाउंडिंग से इतने 5 10 हज़ार से 70 80 लाख 1 करोड़ बना सकते हैं, तो गोबर खाते हो क्या। अगर ये चीज पॉसिबल होती तो फिर तो दुनिया पागल है जो काम कर रही है, दुनिया पागल है जो काम कर रही है, हलवा है क्या बट रहा है जो ना, कर क्या रहे हो आप लोग कोई कुछ भी। तो मैं तो उन लोगों की गलती नहीं मानता, उन लोगों की गलती 20% है कि वो आप लोगों के लालच का फायदा उठा रहे। लालची और बेवकूफ तो आप लोग खुद हो। कोई बोल रहा है आओ मेरे साथ चलो करो कंपाउंडिंग, करो कंपाउंडिंग, लग गए गधों की तरह लगने। एक उल्टा मेरे से बहस करते हैं, मुझे बोलते हैं अरे हमारा हमारा अगर 70 80 लाख नहीं बना, हमारा तो 5,000 5,000 ही तो डूबेगा। अरे मूर्ख आदमी, वो भी तो यही चाहता है कि 100 लोगों का भी 5 5 हज़ार डूब गया तो उसको तो पैसा मिल जाएगा। मुझे लोग बोलते हैं सर आप लाइव खेल के दिखाओ, आप हमारे साथ खेलो,
आप हमारा रिकवरी करवाओ। मैंने कहा भैया ना मैं कोई कोर्स बेचता हूँ, ना मैं किसी के साथ खेलता हूँ, ना मैं किसी को अपने साथ खिलाता हूँ, ना मैं किसी के साथ कसीनो जाता हूँ। मेरा सिंपल सा लाइफ है, बड़ी रिलैक्सफुल लाइफ है, दुनिया घूमता हूँ, गोवा में अपने घर में रहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस यूट्यूब पर डालता हूँ, उसकी आप लोग देखते हो, यूट्यूब से भी पैसा आ जाता है, कभी ना कभी कोई वीडियो बना देता हूँ पेड वाला, तो उसमें मुझे पैसा मिल जाता है, बस बात खत्म। मुझे नहीं किसी को खिलवाना, मेरे को नहीं, मेरे ही वजह से आप कल के बर्बाद होते, आज बर्बाद हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर दुनिया का उद्धार करने, समाज सेवा के लिए नहीं आया हूँ कि मैं आओ दोस्तों आपका लॉस रिकवरी करवाऊँ। क्यों करवाऊँ, मुझे आता ही नहीं लॉस रिकवरी करना, ऐसे लॉस रिकवरी होती है, पर जिन लोगों ने बोला आप लोग लग जाते हो गधों की तरह उनके पीछे। तो गलती आपके अंदर है, अपने गरेबान में झांको। जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकोगे, आप अपनी गलतियों से सबक नहीं सीख सकते, आप जुआ नहीं छोड़ सकते। देखो आप लोगों के पास इतना तजुर्बा है, हार हार के इतना कुछ सीख लिया है कि अगर आज उसको सही ढंग से इस्तेमाल करो ना, तो कम से कम ये है कि लॉस तो रुक जाएगा और थोड़ा बहुत शायद आने भी लग जाए। पर आप लोग अपनी गलतियों से सबक नहीं सीख रहे हो, आप मान ही नहीं कि आपसे गलती हुई। एक ही बात, हमसे दिमाग पर ना कंट्रोल नहीं होता, हमसे भाई साहब कंट्रोल नहीं होता। एक ही बात, 99% कमेंट एक ही होता है जुआरियों का, जीत तो जाते हैं, कंट्रोल नहीं होता। यही कंट्रोल नहीं होता तभी तो जाकर के आप ऐसे लोगों के वीडियो देखते हो, फिर उनकी बातों में आते हो। क्यों गए थे कंपाउंडिंग करने, क्यों गए थे लॉस रिकवरी करवाने? मुझसे कितने ही लोग बोलते हैं कि लॉस रिकवरी हो सकती है, लाइव देखो मेरे पड़े होंगे इस चैनल पर, लाइव में पूछते हैं लोग लॉस रिकवरी हो सकती है, नहीं हो सकती, इस पे करियर बन सकता है, नहीं बन सकता, 10,000 डाल के 500 रुपये रोज कमा सकते हैं, नहीं बना सकते। कई लोग बोलते हैं अब तो हमको नेगेटिव कर रहे हो जुए के लिए, अरे तो अच्छी बात है ना, जुए के लिए नेगेटिव कर रहा हूँ, किसी अच्छे काम के लिए थोड़ी नेगेटिव कर रहा हूँ। वो लोग आपको झूठी उम्मीदें दे रहे हैं, उम्मीद बेचते हैं वो, उम्मीद लॉस रिकवरी की, उम्मीद 5,000 से 50 लाख बनाने की उम्मीद, और आप लोग लालची और प्लस मूर्ख, आप लालची भी हो और मूर्ख भी हो। लालची होते, अक्लमंद होते तो पैसा कमाने की चाह तो होती, लालच तो होता, पर कम से कम बेवकूफी में तो नहीं फंसते, सही जगह से पैसा कमाते। आप लालची भी हो और मूर्ख भी हो। कोई आगे कह रहा है लॉस रिकवरी हो सकती है, लग गए। कोई आगे कह रहा है मैंने ये गाड़ी खरीद ली, मैंने ये खरीद लिया, वो कह रहा, उनके वीडियो उनको डिलीट करने पड़ गए। क्या हरकतें कर रहे हो? तो मैं सीधी सी बात है, मैं आप लोगों को दोषी मानता हूँ, आप लोग जुए में बर्बाद हो, अपनी हरकतों की वजह से बर्बाद हो, आप लोगों की बातों में आ रहे हो क्योंकि आपके पास अकल नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आते किसी की बातों में। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि यार मेरे वीडियो भी आप लोग कैसे झेल लेते हो, बेवकूफों की फौज हो आप लोग। अपनी अकल लगाओ ना कि लोग क्या कह रहे हैं। कोई कह रहा है मैंने ये 2 करोड़ का प्लॉट खरीदा, चलो मान लो किसी ने बोला थंबनेल में लगाया कि मैंने ये 2.5 करोड़ 3 करोड़ का प्लॉट खरीदा, कहाँ से खरीदा जी? जुए से जीत के खरीदा। भाई जुए से जीतने वाली कमाई पर 30% फ्लैट टैक्स है, मतलब 2 करोड़ रुपए का प्लॉट अगर कोई आदमी डिक्लेयर करता है कि मैंने ये गैमलिंग की इनकम से कमाया खरीदा, तो उसको 60 लाख रुपए तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 2 करोड़, 20 लाख से ऊपर अगर इंडिविजुअल आदमी के बैंक खाते में आता है तो उसको इंडिविजुअल जीएसटी लेना पड़ता है 18%। अगर आपके खाते में इनकम जो है साल की 20 लाख रुपए इनपुट होती है और आप ये कहते हो 20 लाख रुपए मेरे इनकम में आई है, तो आपको 18% जीएसटी लेना पड़ेगा, इंडिविजुअल लेना पड़ेगा, भले आपकी कोई कंपनी दुकान है नहीं। मतलब कोई आदमी ये कह रहा है कि मैंने 2 करोड़ का प्लॉट खरीदा, मतलब कि उसने ये डिक्लेयर करने से पहले 60 लाख रुपया तो उसने इनकम टैक्स को दिया और 36 लाख रुपया उसने जीएसटी को दिया। ऐसा हो सकता है क्या? जो कल तक मेरे लाइव में बोलते थे अरे गुरुजी आपसे हम भी इंस्पायर हैं और हम भी लोगों को सही रास्ते पर लेके जाएंगे, आज वो बोलते हैं एटीट्यूड ही, पैसा पचाना भी बहुत मुश्किल होता है, पैसा कमाना बहुत आसान होता है, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। एटीट्यूड, एक बढ़िया सी कुर्सी खरीद के ऐसे बॉस की तरह बैठ के लोगों को बोल रहे हैं हमारा प्रोमो कोड यूज करो, हम आपके लिए ये कर देंगे, इतने रिकवरी करवा देंगे। मतलब मुझे तो लोगों ने ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि मतलब 2 कौड़ी की अकल के लोग जो अभी कल पैदा हुए यूट्यूब पर, वो ये कह रहे हैं कि हम आपको कंसल्टेंसी देंगे, आप हमारा प्रोमो कोड यूज करो, हम आपको कंसल्टेंसी देंगे। मुझे 4 साल हो गए गैम्बलिंग के वीडियो डालते हुए, मैं आज तक कभी कंसल्टेंसी नहीं दे पाया किसी को, मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं उस लायक नहीं हूँ। वो हम आप हमारा प्रोमो कोड यूज करोगे, इतना पैसा डिपॉजिट करो, आईडी हमारे नाम से बनाओ, मतलब उनका थ्रू उस प्लेटफॉर्म पे बनाओ, हम आपको गाइड करेंगे। मैं आज तक, मुझे इतने लोग बोले सर हम क्या करें क्या करें, भाई मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम होता मैं अरबपति बना होता, इस पर टिकना कैसे बचना कैसे वो मुझे आता है, अरबपति बनना मुझे नहीं आता, करोड़पति बनना मुझे नहीं आता। वो लोग कह रहे हैं हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे।
कहां से आई उनके पास ये अथॉरिटी, क्योंकि आप लोग मूर्ख हो। अगर कोई किसी को ये बता सकता है पैसा कैसे कमाना है, तो खुद करोड़पति बना होता। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, आओ मैं आपको बताता हूं करोड़पति बनने का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला बेच रहा है। जो ये बेच रहा है, जो ये फॉर्मूला करोड़पति बनने का फॉर्मूला खरीद रहे हैं, वो तो कभी करोड़पति बन नहीं पाए, बेचने वाला बन जाता है। मुझे लोग बोलते हैं आप तो प्रोफेशनल। अरे तो मैंने कब बोला मैं यहाँ पे समाज सेवा करने के लिए आया हूँ, लोगों के बच्चे पालने के लिए आया हूँ? मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपनी शर्तों पर जीता हूँ। पैसा सबको चाहिए। आप कौन सा जुए में समाज उद्धार के लिए आए थे, या आप जीत करके पैसा कारगिल फंड में डालने वाले थे? तो लोगों को दोष देना बंद करो, वो गलत है। सब फड़े जानगे, सारे फड़े जानगे, वो जितना हवा में उड़ रहे हैं ना, सब फड़े जानगे, सब नपेंगे, भविष्य बताएगा आपको। पर आप अपना ध्यान रखो ना, आप बाहर उंगलियां उठाने से पहले अंदर अपने झांको। जब आप एक उंगली बाहर किसी पर उठाते हो, तो बाकी की जो उंगलियां हैं वो आपकी तरफ होती है। वहां देखो पहले आप कि हाँ यार, हम किसी की बातों में क्यों आए, क्योंकि हमें आसानी से पैसा चाहिए था। हम जुए में क्यों आए, लालच की वजह से। इजी मनी, आसानी से कमाने के चक्कर में हम लोग जुए में आए, फिर हम हार गए। हार गए तो हम डरने लगे कि अरे हमारा तो नुकसान हो गया, फिर हम इन बेवकूफों की बातों में आने लगे। ये बेवकूफ नहीं है, ये तो बहुत चालाक लोग हैं, क्योंकि आप डर गए थे इसलिए आप इनकी बातों में आए। मुझे मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आप लोगों की वजह से जिन लोगों को खदेड़ना चाहिए था, वो लोग आज बुलंदियों पर है, पैसों पे। बुलंदियों पर भी क्या है, खैर फुक रहे हैं, पैसा पचा थोड़ी रहे हैं। पैसा कमाना आसान है भाई साहब, पैसा पचाना आना चाहिए। इसका ये मतलब थोड़ी तो कि कोई आदमी सोना नहीं पहनता तो उसके पास सोना नहीं है, कोई आदमी नई कार नहीं खरीदता तो उसके पास पैसा नहीं। हर आदमी का अपना तरीका होता है। तो मतलब जिनको बात करनी नहीं आ रही जी, भगवान का नाम लेकर के बेवकूफ बना रहे। मैं तो नहीं मानता भगवान को, आप लोग तो मानते हो ना? तो कोई आदमी जुए की बात कर रहा है, भगवान का नाम लेकर के शुरू कर रहा है। उनकी उनकी गलती नहीं, वो तो चालाक लोग, वो तो कह रहे हम तो भैया पैसा कमा रहे हैं, बेवकूफ लोग हमें देख रहे हैं, हम क्या करें? आप लोग सोचो आप क्या कर रहे हो। जिन लोगों को खदेड़ना चाहिए था, जिन लोगों के ऊपर सवाल खड़े करने चाहिए थे, आप लोग उनके फॉलोवर बन गए। आप लोगों ने फिर बाद में जब लुट पिट गए, तो अब उनको आप ही लोग गालियां दे रहे हो, ये तो गलत बात है। वो घर से बुलाने गए थे, तब रोटी नहीं खाते थे, जब 5,000 से 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख बनाने चल दिए। कोई 5,000 से 50 लाख बना रहा है, कोई कोर्स बेच रहा है, कोई अपनी वो दो दो कौड़ी की गाड़ियां दिखा रहे हैं, कोई प्लॉट दिखा रहा है, कोई ये दिखा रहा है, सब झूठे हैं। ये टोटल गलती आपकी। अगर आपको बदलना है, अपने अंदर जीवन में कुछ सुधार लाना है, जुआ छोड़ना है, आप क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि आप ब्लेम बाहर कर रहे हो, अपने आप को दोषी मानो कि हम किसी की बातों में आए अपने लालच की वजह से, हम किसी की बातों में आए अपने डर की, कर्जे की डर की वजह से, कि चलो यार ये बोल रहा है रिकवरी करवा दूंगा, शायद ट्राई कर ले, क्या पता रिकवरी हो जाए। एक हारा हुआ आदमी हर रास्ता अपनाने को तैयार है जीतने के लिए। जिसका ऊंट खो जाता है ना, वो चूहे के बिल में भी ढूंढता है। तो आप लोगों को पैसा चले गया जुए में, अब आप लोगों को कोई कुछ भी बोल रहा है, आप लोग उसके पीछे लग जाते हो। और ये बात YouTube की या सोशल मीडिया की नहीं है, ऑनलाइन की नहीं है, ऑफलाइन कैसीनोज के अंदर भी ऐसे ऐसे धुरंधर होते हैं जो कहते हैं हम आपका रिकवरी करवा देंगे, वो थोड़ा सा आपको जितवाते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कभी हम जीतेंगे कभी हम हारेंगे। जब हार जाते तो कोई और कहानी सुनाते, जीत जाते तो कहते देखा हमने जितवा दिया, अब इतना पैसा हमें दो। फिर वो बंदा कहता हाँ, मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कैसीनोज के अंदर, कि किसी आदमी के साथ लग करके, एक आदमी के पास पैसा है, एक आदमी हारा हुआ जुआरी है, पर उसके पास तजुर्बा है। वो जिसके पास पैसा है वो उसके साथ लग जाता है, वो उसको कुछ दिन जितवाता है, फिर ऐसा करता है वैसा करता है, फिर करते करते मालूम पड़ता है 1-2 लाख रुपए उसके हरवा दिए उसने, फिर वो अलग हो जाते हैं। अब वो 1-2 लाख हरवाने में उसको कसीनो की तरफ से कुछ मिलता है, मिलता भी होगा। कसीनो वालों को भी आप कम मत समझो, डमी प्लेयर रखते हैं, ऐसे लोगों को रखते हैं जो लोगों को उकसा करके लाते हैं। डमी प्लेयर क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जीतते हैं, उनके जीतने पर हर डीलर क्लैपिंग करेगा, वाहवाही होगी, ताकि लोग मोटिवेट हो जुए के प्रति। मुझे पैसा चाहिए, उस पैसे के लिए मैं किसी कंपनी का नाम बताता हूँ, उससे पैसा लेता हूँ।
आप लोगों से डायरेक्ट किसी रूप से कोई पैसा नहीं लेता, वो कंपनी, वो भी जुए का अड्डा है, वहां पर भी जुआ खेलोगे, बर्बाद हो सकते हो। मेरा प्रोमो कोड यूज करना है करो, नहीं करना है भाड़ में जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बिना मेरा प्रोमो कोड यूज किए हुए भी अगर उस प्लेटफॉर्म पे कोई दिक्कत आएगी तो भी लोगों के दिन में 20 ऐसे आते हैं कि हम बताते हैं, अरे यार आपने तो प्रोमो कोड नहीं यूज किया। वो कहता मुझे नहीं मालूम, मैंने किसी और का नहीं यूज किया होता तो मेरा कर लेते हैं, नहीं अगर किसी और का किया है तो मेरा कभी यूज ही नहीं हो सकता। पर फिर भी मैं उनके लिए उनको मेल भेजता हूँ, उनका काम करवाता हूँ, क्योंकि मेरा मेरे बाप का क्या जा रहा है, मेरा मेल भेजने में पैसा थोड़ी लग रहा है। लगता तो शायद मैं भी मना करता, मेरे ही जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मेरे पास पैसा आ रहा है, बस मेरे लिए काफी है, मुझे सारी दुनिया का पैसा नहीं चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हो, अपने लालच के चक्कर में बर्बाद हो रहे हो। मैं कोई मेरी एक तरह की एक वॉर चल रही है ऐसे लोगों से, ये जो MLM का काम कर रहे हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और ये कैसीनोज के अंदर जो अनकहे मेरे शत्रु कह लो या कंपटीटर कह लो, मैं नहीं मानता, पर उनकी स्ट्रेटेजीज के खिलाफ है, क्योंकि मैं उनसे पहले से इन स्ट्रेटेजीज पर बात कर रहा हूँ। वो जो लोग हैं जिनकी साफ साफ दिख रहा है कि यार ये कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, साफ दिख रहा है कैसे वो बरगला करके लेके आ रहे एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, वहां से आप लोगों से डिपॉजिट करवाते हैं, खुद निकल जाते हैं, आप लोग वहां पर लालच में खेलते रहते हो, हार जाते हो, फिर वो कहते हैं देखो आप क्यों नहीं रुके, गलती तो आपकी है। अरे उनको मालूम है कि ये नहीं रुकने वाले। जब कोई कोर्स बेचता है तो आपके भेजे में ट्यूबलाइट नहीं जलती कि अरे यार ये कोर्स बेच करके हमें ये बता सकता है कि हमें जीतना कैसे, तो ये तो खुद अरबपति होता। कर क्या रहे हो यार आप लोग, अपने अंदर झांको। देखो किसी को भी दोष दो, मुझे बोलो, किसी और को बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, आप लोग लुटते रहोगे, बर्बाद होते रहोगे। जुए में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ। हर कोई, इन लोगों ने एक और तरीका बना रखा है, ये शुरुआत करते हैं जुए में, हार है, बर्बादी है, ये है वो है, यहाँ से पहले भगवान का नाम लेंगे, फिर जुए के बारे में थोड़ी नैतिकता वाली बात करेंगे, फिर अल्टीमेटली आपको बताएंगे। मैं एक रूलेट, मेरे को आज तक रूलेट गेम के अलावा कोई गेम नहीं आती, कोई गेम नहीं आती है, रूलेट के अलावा मुझे कोई गेम नहीं आती। 2018 में मैं श्रीलंका गया था, मैंने वहां पर रूलेट गेम प्ले किया था, तब से मुझे रूलेट गेम के बारे में मैंने जाना, समझा, सीखा, वही बात करता हूँ। और मेरे वीडियो किसी भी नए आदमी के लिए नहीं है, नए लड़के के लिए नहीं है। कई ऐसे लड़कों की मैंने फीस जमा करी जिन्होंने अपनी स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस हार गए, कॉलेज की फीस हार गए, वो जानते हैं, अगर वो ये वीडियो देखें तो कमेंट करके बता सकते हैं। पर उसके बाद मैंने एक दो वीडियो में ये बात बोल दी तो बहुत सारे लोग आ गए, सर मेरा ये हो गया, मेरा सिर फूट गया, मेरा भी फीस पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरी भी एक लिमिट है, मैं इतनी ज्यादा भी नहीं हेल्प कर सकता कि कल को मुझे ही हेल्प की जरूरत पड़े। कमाल हो गया यार, मतलब जिन लोगों को मतलब साफ दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आंख पर लालच की पट्टी बंधी हुई है। एक उम्मीद है जिस उम्मीद को ये बढ़ावा देते हैं कि हम तो जीत लेंगे, हमारी रिकवरी हो जाएगी। कर लो रिकवरी, कर लो रिकवरी, रिकवरी करने जाओगे जितने का कर्जा है उसका डबल ना हो जाए तो आके कह देना मुझे 6 महीने बाद। अरे जो आपने आज तक, देखो जो नहीं छोड़ पा रहा है, कम से कम इतनी तो अकल लगाए कि आज तक मैंने जितना पैसा हारा उसके चक्कर में, जितनी गेम प्ले की उससे मैंने क्या क्या गलतियां करी, उससे मुझे क्या क्या सीखना चाहिए, अगर इतनी भी अकल लगा ले तो आपको थोड़ा बहुत जीतना तो खुद ही आ जाएगा, कम से कम अपना घाटा तो रुक लोगे। पर नहीं, आपको तो दूसरे से कोई ऐसा मंत्र चाहिए। कई तो बेवकूफ ऐसे लोग हैं, सर हमें ये बता दो कौन से नंबर के बाद में कौन सा नंबर आता है, सोचो सामने होता जूता फेंक के मारता। मतलब क्या क्या बकवास कर रहे हो यार, अगर मुझे ये पता लग जाए रूलेट में कि कौन से नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आपको क्या लग रहा है कि मेरा स्विट्जरलैंड में बंगला होता फिर तो। केवल प्रोबेबिलिटी का गेम है, संभावना का गेम है, कभी कभी मेरी संभावनाएं काम कर जाती है, मेरा पैसा बढ़ जाता है, मेरी संभावनाएं काम नहीं करती है, मैं जितना मर्जी यहाँ पे भाषण कर लूं मेरा भी पैसा घटता है। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं हमेशा जीतता हूँ, मगर मुझे मेरी हार हमेशा कम रहती है, जीत हमेशा ज्यादा रहती है, इतना फर्क है। मैं कम खेलता हूँ इसलिए ज्यादा बार जीतता हूँ, कम बार हारता हूँ। मैं बहुत तरीके से प्ले करता हूँ तो इसलिए मेरी हार का अमाउंट कम और जीत का अमाउंट हमेशा ज्यादा रहता है, तो उस वजह से जब मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो मैं ओवरऑल प्लस में रहता हूँ। मैं कभी बड़ी रकम नहीं जीता, कभी नहीं मैंने बहुत बड़ी बड़ी रकमें जीती, मैं ऐसा खेलता ही नहीं, मैं बहुत डिफेंसिव प्लेयर हूँ। आई एम नॉट ए गैम्बलर, आई एम ए प्लेयर। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा ठीक लगे करो, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना हो, क्योंकि मेरा ये वीडियो उनके खिलाफ नहीं था, मेरा ये वीडियो आपके खिलाफ है। कितना 29 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, पूरा आधा घंटा हो गया, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग यहाँ पहुंचोगे, अगर पहुंचे होगे तो
बता देना कि आपने यहाँ तक देखा है, 29 मिनट या 30 मिनट तक ये वीडियो देखा है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि शायद मैंने आप लोगों के खिलाफ ही एक बात बोली है, आप लोगों को वो समझ में आई है, तो मैं आगे भी इस तरह की बातें करूंगा। पर एक बात समझ लो, अपने आप को दोष देना सीखो, दूसरों पर दोष मढ़ना बंद करो। वो तो है लालची, वो तो सब फंसेंगे, सब नपेंगे, क्योंकि उनको पैसा कमा तो लिया, पचाना नहीं आया, और पैसे कमाने में उनकी कोई मॉरलिटी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। थोड़ी बहुत नैतिकता तो चाहिए ना, 100% नैतिकता तो कोई भी नहीं रखता, मेरे अंदर भी नहीं है। पर आप इतना सोचते हो कि यार मेरा पेट भर गया तो दूसरे को दिक्कत ना हो, आपको सारी दुनिया का पैसा चाहिए, क्या करोगे? करोड़ों रुपए का प्लॉट खरीद के, कब्र तो 6 फुट में ही बनेगी ना। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।